ये मैच ना ये एक जंग की तरह होता है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मैच शुरू हो। और आप जानते ही हैं इस समय पूरी हमारी इंडिया टीम फॉर्म में। अभी एशिया कप में आपने देखा कि इंडिया फाइनल खेलिया और उसमें भी पाकिस्तान को उन्होंने चरे चबवा दिया था। तो इस बार भी आप देख सकते पूरी हमारी इंडिया टीम फॉर्म में है और आप देखिएगा पाकिस्तान को एकदम इंडिया टीम पस्त कर देगी। इस पर आपको विश्वास है कौन कौन से खिलाड़ी जो है इस समय? सारे खिलाड़ी हमने बुमराह को देख लिए, विराट कोहली को देख लिए, रोहित शर्मा को देख लिए, सारे हमारे जो इंडियन टीम है वो फॉर्म में है और कहीं ना कहीं आप देखिएगा इंडिया टीम पाकिस्तान को बुरी तरह से एकदम मात देने वाली है इस बार। कल एक नंबर संयोग बन रहा है, कल शनिवार दिन है, महादेव के शनिदेव आराधक रहे और कल एक नंबर दिन बन रहा है, मेरा भारत जीतेगा और एक नंबर से जीतेगा। यानी पाकिस्तान को फिर से भारत धूल चटाने जा रहा है। हाँ, फिर हर हमेशा धूल चटाते रहेगा इस नाते कि यह देवभूमि है, यहाँ पूरा देवता जन्म लिए और यहीं पे रहे, सनातन की यह धरती है, सनातनियों का वो है। इस नाते पूरा कल पाकिस्तान को हराना कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मैच हो चाहे जंग हो चाहे फिल्म हो, भारत हमेशा से ही पाकिस्तान पर हावी होता रहा है। और रहा बात विश्व कप में, तो ये आठवीं जीत कल भारत का तय है। अभी हाल ही में सनी देओल की गदर टू भी आई थी, उसमें भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। और जंग में अब तक जितने भी जंग हुए उसमें भी भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो कल का क्रिकेट मैच में भी भारत के ही फेवर में रिजल्ट जाएगा। किस खिलाड़ी पर ज्यादा दांव लगा रहे हैं आप? कल कौन जो है सनी देओल की तरह जो है अपना हथौड़ा घुमाने वाला है? देखिए ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में शुरुआत हालांकि अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में विराट कोहली और केएल राहुल ने आके स्थिति को संभाला था। वहीं कल के मैच में रोहित शर्मा भी अपने परफॉर्मेंस के बदौलत उन्होंने या जवाब दिया कि वो भी फॉर्म में लौटा है। और रहा बात शुभमन गिल का, तो वो भी लग रहा है उनके जो स्वास्थ्य है वो उसमें सुधार हो रहा है, वो भी कल आ सकते हैं। तो अगर वो शुभमन गिल आ रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, तो ये एक पूरा पैकेज होगा जिसके बाद पाकिस्तान के पास कोई भी जवाब नहीं होगा इस पूरी टीम का। बचपन से देखते आ रहे हैं, रोचक मुकाबला रहता है इंडिया पाकिस्तान का। जब मैच आता है तो सारे लोग सारे काम छोड़ के मैच का इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या स्थिति रहती है। और हमेशा भारत को जो है, भारत ने पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे इस बार ये होगा जैसे गदर टू में सनी देओल ने पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के लोगों के छक्के छुड़ा देते, इस तरह उसी तरह से इस बार जो है इंडिया टीम पाकिस्तान टीम की छक्के छुड़ा देगी और ऐतिहासिक जीत होगा। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है एक रोमांच होता है, दोनों देश की भावनाएं जुड़ी रहती है लोगों के, और दर्शक भी पूरा इंजॉय करते हैं। और इस मैच का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिस तरह से इंडिया का प्रदर्शन लगातार है उससे हमें लगता है कि कल के मैच में भी हमारी टीम जीतेगी। यानी कल कौन कौन खिलाड़ी परफॉर्म कर सकते हैं कल के मैच? देखिए जो भी खिलाड़ी मतलब इस समय टीम में खेल रहे सब बेहतर है, सब बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे विराट कोहली को ले लीजिए, रोहित शर्मा को ले लीजिए, श्रेयस अय्यर, शुभम गिल, जितने भी खिलाड़ी अपने टीम के सब बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम कल जीतेंगे जरूर। जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो ये पूरे विश्व के लिए, केवल भारत और पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि विश्व में इस मैच की चर्चा होती है। और जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो लगता है कि जैसे ये मैच नहीं बल्कि दो दूसरे के बीच युद्ध हो रहा हो। अभी कल अहमदाबाद में जो मैच होने जा रहा है, जिस तरीके की भारतीय टीम है जिसमें विराट कोहली जैसा बल्लेबाज और सिराज जैसा बॉलर, बुमराह जैसा बॉलर है, तो हम ये निश्चित मान के चलते हैं कि कल भारत आठवीं बार पाकिस्तान को पटकनी देकर के विश्व विजेता बनेगा। यानी ये पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भारत हमेशा पाकिस्तान के बीच हराता रहा है, कल के मैच में भी बुरी तरह पटकनी देने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बुरी तरीके से पटकनी देगा और अपना झंडा बुलंद करेगा। क्या नाम है आपका? अरुण त्रिपाठी।